हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सर, यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वीवो की वी सीरीज़ का एक फिर से एक यहाँ पे नया फ़ोन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है वीवो V21e। दोस्तों, यहाँ पे ये 5G फ़ोन है और इसमें भी जो फीचर्स जो हैं वो हमको काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं डिस्प्ले हो गया, प्रोसेसर हो गया, यहाँ पे कैमरा हो गया, और जो इसका जो सॉफ्टवेयर जो है फ्रंट टच वाइज वो तो है ही है काफ़ी कमाल का। और भाई जी, आईक्यू की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे एक मिड रेंज फ़ोन बेसिकली आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ है, मिड रेंज बजट मिड रेंज हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे iQOO Z3 नाम से लॉन्च हुआ है। यहाँ पे ये भी एक 5G फ़ोन है जिसमें प्रोसेसर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है, बाकी और भी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें काफ़ी कमाल की ही देखने को मिलती है। तो आज हम इन दोनों के बीच में कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे दोनों में सिर्फ दो ही आपको यहाँ पे दो दो कलर देखने को मिल जाते हैं। वीवो में आपको यहाँ पे सनसेट जैज और यहाँ पे डार्क पीरियल, वजह का iQOO में आपको साइबर ब्लू और यहाँ पे एज ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर फिजिकल ओवरव्यू की, तो सबसे पहले यहाँ पे बैक साइड की बात करते हैं तो आपको पीछे साइड में दोनों में पॉलीकार्बोनेट यानी कि आपको एक तरह की प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, और दोनों ही फोन में हमको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएगी। और वीवो में हमको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे दो कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। iQOO में हमको ट्रिपल यानी कि तीन कैमरे का हमको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में हमको कर्व एजेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो थिकनेस जो है वीवो में थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि जो इसका डार्क जो पीरल जो यहाँ पे कलर जो आपको दे रखा है वो थोड़ा सा कम मोटा है, यानी कि उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है, और जो यहाँ पे सनसेट जैज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा, उसकी यहाँ पे थिकनेस जो है वो यहाँ पे अप्रॉच आपको 7.8 mm के आसपास देखने को मिल जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे वेट में भी अप्लाई होती है, जो सनसेट जैज जो कलर है वो थोड़ा सा भारी है 167 ग्राम का, और जो आई थिंक जो डार्क पीरल है वो आपको 165 ग्राम का देखने को मिल जाता है। वैसे कि यहाँ पे अगर iQOO की बात करें तो यहाँ पे इसमें थिकनेस आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, 8.5 mm की देखने को मिल जाएगी, यानी कि फ़ोन थोड़ा सा मोटा होगा, वजह के फ़ोन काफ़ी भारी भी है, 186 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर इन द बॉस कंटेंट की, तो यहाँ पे इन द बॉस में आपको दोनों में बैक कवर देखने को मिल जाता है। वीवो में आपको 44 वॉट का एक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, iQOO में आपको 55 वॉट का आपको देखने को मिल जाता है। ईयरफोन्स हमको वीवो में मिलते हैं, iQOO में नहीं मिलेंगे। स्क्रीन गार्ड हमको दोनों में देखने को मिल जाता है, USB Type-C to USB Type-A वाली हमको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर बैटरी की, तो यहाँ पे जो बैटरी जो दे रखी है वीवो में हमको सिर्फ 4000 mAh की मिल जाती है, वजह iQOO में हमको 4400 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चार्जिंग टाइम दोनों में ऑफिशियली मेंशन था कि यहाँ पे वीवो का जो फोन है वो यहाँ पे 0 to 72% ये सिर्फ आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, और iQOO का फोन यहाँ पे 0 to 50% यहाँ पे 19 मिनट में यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो फुल चार्जिंग टाइम की अगर बात करें वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर कैमरास की, तो यहाँ पे वीवो में और iQOO में दोनों में आपको 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वीवो में बेसिकली हमको यहाँ पे डेप्थ और मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलते, वजह कि iQOO में हमको सिर्फ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोनों ही में हम यहाँ पे वीडियो शूट 4K तक ही कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे वीवो में हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, वजह कि iQOO में हमको 16 मेगापिक्सल की हमको यहाँ पे सेल्फी देखने को मिल जाती है। वीडियो शूट हम यहाँ पे दोनों में Full HD तक ही कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे वीवो को में आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है, 6.44 इंच का मिलता है, जबकि iQOO में आपको 6.6 इंच का मिल जाता है। दोनों ही फुल HD हैं, लेकिन यहाँ पे वीवो में आपको एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है, तो इसमें आपको क्वालिटी जो है वीवो में आपको काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिलने वाली है, वजह यहाँ पे iQOO में आपको IPS डिस्प्ले मिलता है। IPS डिस्प्ले अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी नेचुरल से आपको यहाँ पे कलर्स देखने को मिलने वाले हैं डिस्प्ले से, वजह एमुलेट जो डिस्प्ले होता है वो बेसिकली यहाँ पे कलर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, तो यहाँ पे जिससे आपको जो कंटेंट जैसे कि आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं या तो गेमिंग करते हैं, तो बेसिकली उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। वही जगह यहाँ पे वीवो में आपको कॉर्निंग ग्लास 3 की मिल जाती है प्रोडक्शन, हालांकि कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं था। वही जगह यहाँ पे iQOO में आपको यहाँ पे पैंडा ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाती है, ये चीज़ ऑफिशियली मेंशन थी। वही जगह स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको वीवो में 60Hz का सिर्फ मिलता है, यहाँ पे एक मतलब नॉर्मल सही देखने को मिलेगा, iQOO में आपको यहाँ पे 120Hz का मिल जाता है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हमको दोनों में काफ़ी कमाल का मिलता है, 90% से ऊपर देखने को मिल जाता है। तो सर, यहाँ पे बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको वीवो में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 देखने को मिल जाती है, वजह iQOO में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक यहाँ पे गेमिंग चिपसेट है। बेसिकली यहाँ पे दोनों ही गेमिंग यहाँ पे चिपसेट है, तो बेसिकली यहाँ पे वीवो को में जो अंतु स्कोर जो आए हुए हैं वो लगभग आपको 2.5 लाख के करीब देखने को मिल जाते हैं, वजह यहाँ पे iQOO में आपको 4.5 लाख के करीब देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ iQOO में बहुत ही ज़्यादा कमाल की आपको देखने को मिल जाती है। तो सर, यहाँ पे बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों ही आप कह सकते हैं कि वीवो के ही फोन है, तो यहाँ पे आपको दोनों में फ्रंट टच ओएस 11.1 मिल जाता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे, और यहाँ पे दोनों में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शंस कई सारे देखने को मिल
जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे वीवो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, आईक्यू में आपको साइड माउंटर मिलेगा, फेस अनलॉक हमको दोनों में देखने को मिल जाता है, 3.5 मेमोरी जैक भी मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, और यहाँ पे सिम ट्रे की बात करें तो दोनों में हाइब्रिड दे रखी है, लेकिन आप यहाँ पे एचडी कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 5G दोनों फोन है, और यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर वेरिएंट और रेट की, तो यहाँ पे आपको वीवो में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है, जबकि आईक्यू में आपको यहाँ पे तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो प्राइस रेट का जो कंपैरिजन रखा गया वो तो आप देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों को जो बाय करने का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप बाय की चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वीवो का फोन आपको तब लेना चाहिए कि जब आपको बेसिकली यहाँ पे कैमरा बहुत अच्छा चाहिए हो। बेसिकली यहाँ पे दोनों में कैमरा आपको काफ़ी कमाल के मिलते हैं, लेकिन वीवो में आपको और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, और बेसिकली आपको यहाँ पे वीवो में जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का ही देखने को मिलता है, जैसे कि आईक्यू का फोन आपको तब लेना चाहिए कि जब आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको जो इसमें प्रोसेसर जो देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इन्हीं दोनों फोन का कंप्लीट क्लियर कंपेरिजन रिव्यू।